वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एनी ग्रेजुएट, बहुत अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अगर आप सर्च कर रहे हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ऐसी जॉब जो कई सारे स्टेट में है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलाए जाते हैं, इसी तरीके से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जो कि ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जो विज्ञापन जारी हुई है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, फ्रेश नोटिफिकेशन जारी की गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट मेल या फीमेल कैंडिडेट सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम हॉस्टल वार्डन है, जिसे आप छात्रावास अधीक्षक के नाम से भी बुलाते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। पूरी डिटेल हम वीडियो में चेक करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से देख सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप अप्लाई कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एज में रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट्स को दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, निगेटिव मार्किंग, जॉब लोकेशन क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी डिटेल हम वीडियो में आगे चेक करेंगे। सैलरी भी अच्छी रहेगी, 45,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने कई सारे स्टेट हैं जहां पर इसकी जॉब पोस्टिंग होने वाली, सारी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पर खुला है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो एडवर्टीजमेंट है वो इसी से जारी हुई है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार, तो बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब रहेगी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर इमेज भी दिखाए जा रहे हैं अलग अलग स्कूल्स के, तो काफी स्ट्रक्चर्ड साफ सुथरा स्कूल रहता है। चलिए आगे भी अभी इसकी जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, आप में से कई लोगों के पास ऑलरेडी ये पहुंच चुकी होगी, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा, तो आप अब इस वीडियो में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं सारे डिटेल एंड तक आपके लिए कवर कर देती हूँ। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है इस तरीके से, इंडेक्स दिया हुआ है इसमें कि क्या क्या है। इसमें जो डेट बताई गई है लास्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है ऑनलाइन, आज 23 जुलाई को, 23 जुलाई को वीडियो बन रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 22 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है, 22 जुलाई से 18 अगस्त तक, अभी जो लेटेस्ट इसमें लिखा है इसके हिसाब से 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, पहले वो देख लेते हैं, फिर बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी वो चेक करेंगे। नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट। तो अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो नो फी, कोई एप्लीकेशन फी आपको नहीं देनी है। बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे इन कैटेगरीज को छोड़ के, उनके लिए हॉस्टल वार्डन की या छात्रावास अधीक्षक की जो फीस रहेगी एप्लीकेशन फी, वो 1000 रुपीज रहेगी, 1000 रुपए फीस नॉन रिफंडेबल होती है। चलिए एग्जाम के सेंटर वगैरह भी देखेंगे, बाकी डिटेल्स आगे, पहले क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया चेक करते हैं। हॉस्टल वार्डन की आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट है उसमें और भी एक पोस्ट है वो छोड़ देते हैं, वो टीचर की पोस्ट है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है। हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 335 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 334 पोस्ट है, तो 650 से ज्यादा पोस्ट है। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज भी डिटेल्स दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं ये एडवर्टीजमेंट पेज नंबर 7 पर आप देख सकेंगे कि हॉस्टल वार्डन जनरल कैटेगरी, यू आर मीन्स जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 137 पोस्ट है, EWS पे, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और ESM कैटेगरी के लिए डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए टोटल मिला के 669 पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट जब आप चेक करेंगे तो पेज नंबर 7 पर ये डिटेल आप देख सकेंगे।
18 अगस्त तक आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, या अगर आप एज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 18 अगस्त 2023 की डेट को कट ऑफ मानते हुए इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ एज भी आप 18 अगस्त 2023 को बेस लेके कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है 29,200 से लेकर रिटायरमेंट तक आपकी पे स्केल है, ये फाइनल सैलरी नहीं है, फाइनल सैलरी आपको बताती हूँ। तो पे लेवल 5 रहेगा हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए, 29,200 की बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगी और रिटायरमेंट की एज तक 92,300 की बेसिक पे होगी। मतलब स्टार्टिंग जो पे स्केल है 29,200 की, उस पर आप अलाउंसेज ऐड करते हैं जिसमें हाउस रेंट अलाउंस होता है, जिससे इसके बाद डीएनएस अलाउंस मींस डीए महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है और कई सारे अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें कई सारे छोटे छोटे और भी अलाउंसेज जिसे आप भत्ते बुलाते हैं वो दिए जाते हैं। तो सैलरी 40-45,000 के नीचे नहीं होने वाली है स्टार्टिंग सैलरी, और अगर इसी पोस्ट पर आप रिटायर करते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी ये पे मैट्रिक्स जो है अभी करंटली चल रहा है, पे मैट्रिक्स रिवाइज भी होता है, तो रिटायरमेंट की एज तक सैलरी 1.5-2 लाख तक आराम से हो जाती है। मोड ऑफ एग्जाम के पहले मोड ऑफ एग्जाम भी देखेंगे, पहले जो है चेक कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, सिर्फ वो वैलिड डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें अच्छी चीज़ें क्या है, जैसे कि परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ग्रेजुएट हैं, चाहे फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, आपने ग्रेजुएशन सिर्फ पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत कोई भी अंकों से आपने स्नातक किया है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, जैसे कई जगह पे आप देखेंगे कई सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस मांगते हैं, ना तो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और ना ही यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। तो इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकें सिर्फ स्नातक के बेसिस पर, ग्रेजुएशन के बेसिस पर। अब इसमें अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है। SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रहेगा, और OBC और कई सारे PWBD कैंडिडेट इनके लिए भी छूट है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष। कट ऑफ डेट मैंने आपको बताया, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो मैंने वीडियो में पहले ही बता दी, उसी डेट से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं वगैरह, तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की उस डेट तक आपका रिजल्ट, मार्कशीट या कुछ तो आपके हाथ में आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्जाम रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में जवाब दे दें, इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश में जवाब दे दें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे, कंप्यूटर पे रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। इसके बाद पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है इसलिए पॉस्को और चिल्ड्रन सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्ट्स रहेंगे वो आपको पढ़ने होंगे, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, इसके सिलेबस भी दी हुई है, और जनरल हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आपको कोई तो भी चूज करना होगा। रीजनल लैंग्वेज की लिस्ट दी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रीजनल लैंग्वेज, एक तो कोई आपको मतलब 10 जनरल इंग्लिश 10 जनरल हिंदी और 10 मार्क्स का एक जो है रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। तो 120 टोटल जो है क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, 2.5 आवर्स का ये टेस्ट रहेगा। चलिए रीजनल लैंग्वेज में आपको बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सारे आपको रीजनल लैंग्वेज में कोई एक चूज करना है। मान लें आपको कोई भी जैसे उड़िया, नेपाली, मिजो, मराठी, बिल्कुल भी कोई भी भाषा नहीं आ रही, तो आप हिंदी ले लें या फिर आप इंग्लिश ले लें,
बिल्कुल कोई भी भाषा नहीं आ रही है इनमें से, कोई भी रीजनल भाषा, तो हिंदी और इंग्लिश का चुनाव आप कर सकते हैं। पहले से भी हिंदी इंग्लिश एक रहेगा ही, फिर से एक और हिंदी आप ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, और 0.25 मार्क गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। 0.25 मतलब 1/4 मार्क गलत आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कट कर लिए जाएंगे। अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो आंसर आप नहीं करेंगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पेन एंड पेपर मोड में रहेगा एग्जाम, वो OMR शीट जो दी जाती है वो दी जाएगी आपको। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो प्लेसमेंट है वो, हाउएवर द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन EMRS अक्रॉस द कंट्री, पोस्टिंग विल बी एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ, तो पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, इसकी कोई ये नहीं है। एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड आएंगे जो वेबसाइट पर ही आएंगे, वेबसाइट पे आपको चेक करना रहेगा। द कैंडिडेट्स विल अपियर इन एग्जामिनेशन एट द गिवेन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइमिंग एज इंडिकेटेड इन ई एडमिट कार्ड। एग्जाम सेंटर्स जो है वो दिए हुए हैं आपको अपेंडिक्स 6 4 में, इसमें सभी स्टेट में एक एक सेंटर बनाए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, NCT, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, सभी जगह एक एक सेंटर बनाए गए हैं सभी स्टेट में। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से ही एक एक सेंटर बनाए गए हैं। अब वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट पर ये अपडेट आपको कहाँ पर मिलने वाली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में ये रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे आप, ये देखें रिक्रूटमेंट, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरीके से ओपन होगी। इसमें आपको दिया अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, तो 21 जुलाई, 22 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, और सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस यहाँ से देख लें, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, ये क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस डिटेल मिल जाएगा। और अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो थोड़ा और नीचे चले आएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट भी, ये देखें नोटिफिकेशन मिल रहा है यहाँ पर, इसमें होना चाहिए, तो ये आप क्लिक करके देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी।